वेलकम टू माय चैनल क्लियर खोटा में। और आज हम देखेंगे जेसीसी सीरियल के अनुसार खोटा व्याकरण काल, जो कि हम इससे पहले कारक और समास देखे थे। अब हम काल देखेंगे, यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी समय। तो काल किसी काम को होने या नहीं होने के समय के अनुसार क्रियापद के रूप को काल कहा जाता है। खोटा में भी काल के तीन भेद होते हैं। खोटा में भी काल के तीन भेद होते हैं, बीतल काल, भूतकाल, जिसको हम लोग इंग्लिश में पास्ट टेंस बोलते हैं, और फिर दूसरा वर्तमान काल, जो प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, और भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस बोलते हैं। नीचे सभी कालों का परिचय और उनके उपभेदों का साधारण विवरण दिया जा रहा है। बीतल काल, भूतकाल, जिस क्रिया के रूप में यह पता चले कि कोई काम बीते समय में हुआ है या नहीं हुआ है, और बीतल काल में यानी भूतकाल में जो पहले काम हो चुका है या फिर हुआ था उसको हम बोलेंगे बीतल काल के अंतर्गत लाएंगे। और फिर जैसे सलखू पढ़लय, रिजु दिल्ली गेल गेल है, हरको अपन खेत जोत हलय, चिनिया धान तारे लागल हलय, कर्मी पढ़े लागल है, सुगिया सब पाठ लिखल हतय, मंजरी आरो पढ़त है। बीतल काल के छः उपभेद हैं। बीतल काल का छः उपभेद हैं। समान बीतल काल किसी कार्य के बीते समय में होने या नहीं होने के समान बोध कराने वाले क्रिया के रूप इस काल के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमें खैलो, हिंदी में होगा मैंने खाया, फिर खोटा में होगा तो लिख ली, तुमने लिखा हिंदी में सोहन गेलय, सोहन गया। ताता ताहि आसन बीतल काल, जिस क्रिया रूप से काम के हाल में पूरा होने या नहीं होने का पता चले उसे ताता ताहि आसन बीतल काल कहा जाता है। हमें खायल हों, लेल हों, मैंने खाया, मैं खा चुका हूँ, तुम्हें लिखल लिख लेल हैं, तुमने लिखा तुम लिख लिए हो, सोहन गेल है, सोहन गया है। और पूर्वा अपूर्ण बीतल काल, इस काल में पता चलता है कि क्रिया बीते समय में जारी थी, अधूरी थी। जैसे हमें खा हलो, यानी हम खा रहे थे, और हिंदी में मैं खा रहा था, तो लिखो हले, तुम लिख रहे थे, सोहन जा हले, सोहन जा रहा था हिंदी में। और फिर चौथा पूरा पूर्ण बीतल काल, बीते समय में काम के पूरे होने के बोध कराने की क्रिया में भूतकाल का यह उपभेद होता है। जैसे हमें खाया हलो, मैंने खाया था, तुम्हें लिखल हले, तुमने लिखा था, सोहन गेल हले, सोहन गया था। साकाह संदिग्ध यानी प्रेडिक्ट बीतल काल, जैसे क्रिया के रूप में बीते समय के काम होने या ना होने के संदेह, संभावना या अनुमान बोध हो। जैसे हमें खायल हवा, यानी मैं खाया हूँ गा, तुम्हें लिखल हवे, तुम लिखे होगे, यानी अनुमान का बात बताया जा रहा है। सोहन गेल हते, सोहन गया होगा, अब गया है कि नहीं उसको कोई पता नहीं, और ये साकाह के अंतर्गत आता है। फिर ढेसाहा हेतु मधु, हेतु मधु बीतल काल किसी कारण से बस समय में काम के नहीं होने का बोध करने वाले क्रिया रूप, जैसे हमें खेतलो, मैं खाता, तुम्हें लिखता लें, तुम लिखते, सोहन जीत ले, सोहन जाता, हमारा खाए के हालत, मुझे खाना था, तुम्हारा लिखे खा लो, तुम्हें लिखना था, सोहन के जाए के हालत, सोहन को जाना था। वर्तमान काल यानी जो अभी प्रेजेंट का स्थिति है, अभी क्या चल रहा है उसको हम वर्तमान बोलेंगे। वर्तमान समय में किसी काम के होने या ना होने का बोध हो तो वर्तमान काल का होता है। इस काल के तीन भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल काम के सामान्यता वर्तमान समय में होने का बोध होने पर यह काल होता है। जैसे हमें खा हों, खाए हूँ, मैं खाता हूँ, तो लिखे हैं, तुम लिखते हो, सोहन जा है, सोहन जाता है। फिर अधपूर्वा वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल, काल के इस रूप से पता चलता है कि काम का इस समय होना जारी है, पूरा नहीं हुआ है। जैसे हमें खाए लागल हों और रहल हों, यानी हम खाना खा रहे हैं और अभी खाते ही हैं, मैं खा रहा हूँ, तुम्हें लिखे लागल रहल हैं, तुम लिख रहे हो, सोहन जाए लागल है, सोहन जा रहा है। साकाह वर्तमान, ये भी हो गया, अनुमान लगाया जाएगा इस काल में। किसी काम के वर्तमान समय में होने की संभावना, अनुमान या संदेह का बोध हो तो यह काल होता है। जैसे हरखू खाए थे, हरखू खा रहा होगा, अब देख के पता चलेगा कि खा रहा है या भी नहीं खा रहा। नीतू खाए थे, नीतू लिख रही, नहीं नीतू लिखे हते, नीतू लिख रही होगी। सोहन जाए थे, सोहन जा रहा होगा। और फिर लास्ट तीसरा हम लोग का भविष्य काल, जिसको बोलते हैं आने वाला समय, जब क्रिया का रूप यह बताए कि काम आने वाले समय में होने या नहीं होने वाला है, भविष्य काल होता है। इसके तीन भेद होते हैं, समान भविष्य, समान भविष्य काल, आने वाले समय में काम के होने या ना होने का बोध तब यह काल होता है। जैसे हमें खाए, मैं खाऊंगा, तुम्हें लिखवे, तुम लिखोगे, सोहन जीते, सोहन जाएगा। साकाह भविष्य, संभावित भविष्य, आने वाले समय में काम के होने की संभावना का बोध पर यह काल होता है। जैसे हमें खाए पारो, यानी हम खाने सकेंगे, मैं खा सकता हूँ, तुम्हें लिखे पा रहे हैं, लिख सके हैं, तुम लिख सकते हो, सोहन जाए पा रहे हैं, सोहन जा सकता है। फिर लगस्तरवा यानी कंटिन्यूस भविष्य काल, निरंतरात्मक बोधक
भविष्यत काल, काल के इस रूप में किसी काम के आने वाले समय में होते रहने का बोध है। जैसे हमें खाए खेते रहो, मैं खाते रहूँगा तो लिखते रहोगे, तुम लिखते रहोगे, सोहन जाए और जीत रहते यानी सोहन जाते रहेगा। फिर चौथा ढेसा भविष्यत काल, किसी एक काम के होने से भविष्य में दूसरे काम के होने का बोध कराने वाले क्रिया रूप इस काल के अंतर्गत आता है। जैसे खेतवा जोत ले जोता जीते, अगर खेत को हम जोतना चाहेंगे तो वो जिता सकता है, खेत को जोतने से जिता जाएगा। खेले सिरा जीते, अगर खाएंगे तो सिरा जाएगा यानी खत्म हो जाएगा, खाने से समाप्त हो जाएगा। कूदले चिकना जीते, अगर कूदने चिकना चिकन हो जाएगा, कूदने से चिकन हो जाएगा, चिकना हो जाएगा सॉरी। तो ये था मेरा काल जो कि 3 प्रकार के देखे। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे काल का प्रश्न उत्तर, तो बने रहिए तब तक हमारे चैनल के लिए कोठा। अब हम देखेंगे काल से प्रश्न उत्तर, तो आइए देखते हैं। रंजित खाय लेल है, ई वाय कौन काल है और रंजित खा लिया है, तो ये कौन से काल के अंतर्गत आता है या फिर आएगा? वर्तमान काल, भविष्यत काल, बीतल काल, सभ्य काल। तो इसमें बीतल काल होगा क्योंकि खा लिया है। सोमरी पड़तली में कौन काल है? समान भूतकाल, ढेसहा हेतु भूतकाल, पूरा भूतकाल, अधपूरा भूतकाल, तो ढेसहा यानी किसी को बोल दे रहे हैं या फिर पूछ रहे हैं। रंजित खाय लेल है, वह के कौन काल है? पूरा पूर्ण काल, अधपूरा भूतकाल, सामान्य भूतकाल, ढेसहा भूतकाल, तो पूर्ण काल यानी भूतकाल। रंजू खाय लागल है, एकर काल की हक है? अधपूर्वा टटका भूतकाल, वर्तमान काल टटका वर्तमान काल, पूरा भूतकाल, तो टटका वर्तमान काल क्योंकि अभी खा रही है। शुक्लाल आम खाए लाल रहा है, कौन काले टपट लागे? अधपूर्व टटका भूतकाल, वर्तमान काल टटका वर्तमान काल, पूरा भूतकाल, तो इसका होगा टटका वर्तमान काल यानी अभी खा रहा है शुक्लाल। फिर एक कर्मु गेल हथ है, ई वाक्य के कौन काल है? शाकाहा भूतकाल, टटका भूतकाल, ताता तही भूतकाल, नेसाहा भूतकाल, तो शाकाहा भूतकाल। इदरिस पड़तलय, ई कौन काल लागे? शाकाहा भूतकाल, टटका भूतकाल, ताता तही भूतकाल, नेसाहा भूतकाल, तो इसका आंसर होगा ढेसहा भूतकाल क्योंकि इससे पहले हम क्वेश्चन देखे थे सोमरी वाला में, इसमें भी था ढेसहा। सही मल के छाटा गेल है, पूरा भूतकाल गेल है, सामान्य भूतकाल गेल हते, अधपूरा भूतकाल गेल हते, ढेसहा भूतकाल जाय लागल है, टटका भूतकाल जीत लय, शाकाहा भूतकाल। तो इसका आंसर होगा बी होगा, रूप मिला के देख लीजिएगा। फिर भूतकाल बनने खातिर मूल चाहे सहायक क्रिया में कौन प्रत्यय लागल है? था ब ला ता, तो ला लगा है। शाकाहा संधिगत भूतकाले पत्रुक हके, जाय पारी जाय थते, गेल रहे गेल हते, गेल हते। श्रीनिवास पानोरी खोटा का गुआ हला, ई वाक्य कौन काल है? भविष्यत काल, भूतकाल, वर्तमान काल, प्रेतकाल। प्रेतकाल तो हम लोग कहे नहीं काल में, तो इसका होगा भूतकाल यानी बीते का बात हो रहा है। 1013 के सिराई गला, ये कौन काल भूतकालिक पर्दे लागे? टटका भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूरा भूतकाल, शाकाहा भूतकाल, सामान्य भूतकाल क्योंकि अभी अभी गए हैं। कोरोना वायरस से ढेर आदमी मर गया, ये कौन काल लागे? टटका भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूरा भूतकाल, शाकाहा भूतकाल, तो सामान्य भूतकाल होगा क्योंकि कोरोना अभी अभी आया था। चीन यदि खुराफत नहीं कर तो कोरोना महामारी नहीं फसल तले, भूतकाल, शाकाहा भूतकाल, अपूर्वा भूतकाल, ढेसहा भूतकाल, तो ढेसहा भूतकाल। एकर में समान वर्तमान काल नहीं लागे, सूरज पूरा उगे है, समीर पढ़े लागल है, इदरिस रोज स्कूल जा है, मीना भात नहीं खा है, तो समीर पढ़े लागल है। शकरु खेतवा जोतैत हतै, कौन काल है? समान वर्तमान, शाकाहा वर्तमान, तथा तह वर्तमान, पूर्व वर्तमान, तो शाकाहा वर्तमान। जोगना घर जाए लागल है, कौन काल है? शाकाहा वर्तमान, अधपूर्वा वर्तमान, अवगा वर्तमान, पूर्व वर्तमान, तो अधपूर्वा है क्योंकि अभी जोगना घर गया नहीं है, जा रहा है यानी ऑन द वे है। विनोद गेल हते आर रघु आवत हते, ई वाय के कौन कौन काल है? शाकाहा भूतकाल और शाकाहा वर्तमान, वर्तमान काल और भूतकाल, भविष्यत काल और वासन काल, शाकाहा वर्तमान और शाकाहा भूतकाल, तो शाकाहा भूतकाल और शाकाहा वर्तमान काल होगा। फिर सूर्जा अपन काम आप नहीं करे है, ई कौन काल एक बात लागे? समान भूतकाल, समान वर्तमान, अधपूर्व भूतकाल, अपूरा वर्तमान, तो समान वर्तमान। आरती एखन नाय पड़ो है, एकर में कौन काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, कोनो काल नहीं, कोनो काल नहीं, वर्तमान काल। हमें काल कोलकाता जाएगी, कौन काले को वायक लागे? समान वर्तमान, समान भूत, समान भविष्यत, पूरा भूत, तो समान भविष्यत यानी हम जाएंगे। काल पानी बरसे पार, एकर काल बता? शाकाहा भविष्य, शाकाहा भूत, शाकाहा वर्तमान, शाका सामान, समान भूत, तो भविष्यत होगा क्योंकि आ सकता है मैं भी। फिर पानी बरसल
बरसले धान अति कौन काल के बोध करावे, समान भविष्य ढेसा भविष्य ढेसा भूतकाल ढेसा वर्तमान, तो ढेसा भविष्य काल सही जोड़ा छाँट सूचनी चल गेल हत भविष्य काल कर्मा हाल जोतित हत वर्तमान काल काल पानी बरसे पारे भूतकाल सलीम पड़ता लय पूरा कर्मा हार जोते देते वर्तमान काल एक में ढेसा भूतकाल लागे काटले कटाए पारे लिखे लिखाई दीते पढ़ले पास भेतले अले हमू जाब पढ़ले पास भेतले अरसद एखन तक गेल हत एक में कौन काल है साका भूतकाल साका भविष्य काल ढेसा भूतकाल पूरा भूतकाल तो साका भूतकाल होगा फिर हल्कू आवत हतक में ही कौन काल वाक लागे अत पूरा वर्तमान काल साका वर्तमान काल ढेसा भूतकाल समान वर्तमान काल साका वर्तमान काल रंजित चित्र बनने लागल है एकर काल बताओ समान वर्तमान काल समान भूतकाल अतपूर्व तताताय वर्तमान अतपूर्व भूतकाल तो अतपूर्व तताताय होगा भूतकाल कई गो भेद हो गए तीन चार पाँच छः तो छः होगा वर्तमान काल एक भेद कई गो है तीन चार पाँच छः तो तीन गो होता है तो ये था मेरा काल से प्रश्न उत्तर। अब इसके आगे हम देखेंगे जैसे जैसे सिलेबस के अनुसार कोठा व्याकरण कंटिन्यू करेंगे। अगर इसी तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के लिए कोठा को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।